तो हेलो एवरीवन दिस इज विशाल प्रजापति तो गाई आज 31 मार्च की डेट में आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है समाज कल्याण विभाग की तरफ से कि तकरीबन 22 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप भेजी जा रही है जिसमें ओबीसी बी माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे और किन कैटेगरी में कितने करोड़ रुपए पैसे भेजे गए हैं सारा कुछ डाटा आपको वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से ऑफिशियली जारी किया गया है तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जा सके तो चलिए वीडियो को शुरू कर है पूरी अपडेट आपको डिटेल में समझाते हैं कि अमर उजाला के न्यूज़पेपर में ये अपडेट आई है 31 मार्च की डेट में आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल अपडेट है समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण मंत्री है हसीम अरूड उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है उसके साथ यहाँ पर भी वही अपडेट है मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए देखिए इक्कीस मतलब तकरीबन आप लोग मान सकते हो साढ़े लाख के ऊपर छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी गई है मतलब पूरा मान के चलो तो मोटा मोटी बाईस लाख छात्रों की तो इसमें क्या बोला गया है कि पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए तेरह सौ सो सोलह करोड़ जारी समाज कल्याण विभाग को की ओर से पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इक्कीस पॉइंट सिक्स सिक्स लाख विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति भेज दी गई है भेज दी गई मतलब भेज दी गई है और आज भी भेजी जाएगी आज इक्कीस तारीख को वित्तीय वर्ष दो हज़ार बाईस में यस सी समान वर्ग के इक्कीस हज़ार छाछठ इक्कीस लाख छाछठ हज़ार दो सौ अट्ठानवे विद्यार्थियों को तेरह सौ सो सोलह करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है मतलब पूरा जो यस सी और जनरल का ये डाटा बता रहे हैं ओ बी सी का तो इसमें बता नहीं रहे हैं लेकिन ओ बी सी का भी अगर जोड़ लोगे तो ये इक्कीस वाला डाटा आपका पच्चीस तक पहुँच जाएगा पच्चीस लाख छात्रों का या ज़्यादा ही हो जाएगा तो तेरह सौ सोलह सो करोड़ रुपए ये लोग छात्रों के खाते में पूरा भेजे हैं जिसमें इक्कीस पॉइंट सिक्स सिक्स लाख छात्र हैं इसके तहत पुष पूर्व दशम छात्रवृत्ति में पाँच लाख अट्ठावन हज़ार सात सौ पाँच विद्यार्थियों के लिए अट्ठासी करोड़ रुपए और दशमोत्तर छात्रृत्ति के लिए सोलह लाख सात हज़ार पाँच सौ तिरपन विद्यार्थियों के लिए मतलब सोलह लाख सात हज़ार पाँच सौ तिरपन विद्यार्थियों के लिए बारह सौ सत्ताईस करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है विभाग के अनुसार सभी लाभार्थियों को उनके आधार आधारित खातों में धनराशि भेजी जा रही है भेज दी गई नहीं मतलब भेजी भी गई है और भेजी भी जा रही है इस समय करेंट टाइम में आज भी पैसा बहुत ताबक तोड़ाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो माध्यम से वहीं एस टी के विभाग में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले कुछ विद्यार्थियों के आवेदन शिक्षण संस्थान से अग्रसारित नहीं हुए मतलब फॉरवर्ड नहीं हुए तकनीकी कारण से कुछ छात्रों के छात्रवृत्ति नहीं भेजी जा सकी तो इनके लिए विभाग पंद्रह अप्रैल से पंद्रह जून तक पोर्टल ओपन करें यहाँ पर बोला गया कि सभी पाँच छात्र छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति भेजी जा रही है कुछ विद्यार्थियों के आवेदन शिक्षक संस्थान के स्तर से अग्रसारित नहीं किए गए हैं मतलब इंस्टीट्यूट नॉट वेरिफाइड बाई एफ्लेटिंग एजेंसी की बात की जा रही है अथवा अन्य कारणों से व्यवधान हुआ है या तो आपका कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है या तो इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाई एफ्लेटिंग एजेंसी की वजह से रिजेक्ट हुआ है या तो आई एफ कोर्ट की वजह से रिजेक्ट हुआ है तो ऐसे छात्रों के लिए पंद्रह अप्रैल से पंद्रह जून के बीच में पोर्टल ओपन किया जाएगा और इनको फिर से स्काल दी जाएगी लेकिन अभी ये लोग यस्सी के लिए ही बात कर रहे हैं ओ बी जनरल के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी उनके लिए भी अगर कोई अपडेट आती है हो सकता है भाई ओ बी जनरल की भी बात मान ली जाए रहम कर जाए वैसे तो यार इनको सबको देना चाहिए जिनका रिजेक्ट हुआ है पर्टिकुलर यस को नहीं देना चाहिए सबको देना चाहिए लेकिन अभी यस के लिए बोल रहे हैं बाकी अगर किसी और के लिए आती है अपडेट तो आपको बताऊँगा अभी के लिए बता दूँ कि आपको पैसा कहाँ से चेक करना है फिर आगे बात करते हैं क्लिक करना क्या है क्रोम ब्राउज़र पर बोर्ड्स एग्जाम डॉट कॉम ये सर्च कर लेना है जैसे ही सर्च करोगे ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आएगी तो आपको यूपी फ्री टैबलेट और कोई भी अपडेट चाहिए तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो यूपी फ्री टैबलेट 2022 हज़ार बाईस तेईस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी अपडेट आती है जो भी नई लिस्ट आती है फ्री टैबलेट को लेकर यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है तो आप लोग फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट पा सकते हो बोर्ड्स एग्जाम डॉट कॉम पर आके बाकी यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट चाहिए तो यहाँ पर आप लोग स्टेटस चेकआउट कर सकते हो अपना पैसा चेकआउट कर सकते हो यूपी स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पर क्लिक करके उसके साथ आपको अगर कोई भर्ती देखनी है कोई जॉब देखनी है तो अलग अलग सेक्शन दिया गया है रिजल्ट को लेकर दिया गया है एडमिट कार्ड को लेकर दिया गया है आप लोग सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो अपने और आप लोग देख सकते हो पिछले दो दिनों से मैं आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ अभी मैंने दो एक दिन या दो दिन पहले ये वीडियो डाली थी कि पंद्रह लाख छात्रों की छात्रवृत्ति कल भेजी जाएगी मतलब मैंने बताया था कि उनतीस तारीख को लगभग पंद्रह लाख छात्रों की छात्रवृति भेजी जाएगी अट्ठाईस उनतीस को उसके बाद फिर मैंने बताया था कि आठ लाख छात्रों की भेज भेजी गई है स्कॉलरशिप तो अब ये डाटा अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे पंद्रह प्लस आठ तो कितना होगा पंद्रह आठ तेईस लाख स्टूडेंट का डाटा मतलब तेईस लाख स्टूडेंट की, की स्कॉलरशिप भेजी गई है और आज की जो न्यूज़पेपर में अपडेट आई उसमें भी बोला गया है कि इक्कीस पॉइंट सिक्स सिक्स मतलब लाख छात्रों की स्कॉलरशिप भेजी गई है डाटा में थोड़ा सा वन पॉइंट फाइव लाख का अंतर दिख रहा है लेकिन ये डाटा और बढ़ेगा क्योंकि उसमें यस जनरल की बात की गई है और मैं ये पूरा डाटा आपको कैलकुलेट करके यस जनरल जनल ओ बी सी माइनॉरिटी सबकी बता रहा हूँ तो ये डाटा आप लोग पूरा मैच करोगे तो एग्जैक्ट डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था मैंने बोला था थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन होगा लेकिन जो भी जानकारी दूंगा सबसे सटीक और अथेंटिक दूंगा आज के न्यूज़पेपर में भी वही आया आप लोग जाके देख सकते हो बाकी कुछ स्टूडेंट के मतलब मैसेज आ रहे थे कि सर आप माइनॉरिटी uh, के बारे में नहीं बताते हैं तो देखिए माइनॉरिटी के बारे में बताते सभी के लिए है न्यूज़ तो सभी के लिए आती है माइनॉरिटी का भी जो बजट है बस होता क्या है माइनॉरिटी की जो मतलब वर्ड बार बार आता नहीं है वीडियो में जनरल मैक्सिमम अमाउंट में तो ओबीसी वाले होते हैं जनरल वाले एस वाले तो उन्हीं का बार बार आता है तो माइनॉरिटी का भी बजट अभी है पैसा भेजा जा रहा है और आज उम्मीद है कि एससी के और माइनॉरिटी के जो बचे हुए मैक्सिमम छात्र उनका पैसा भेजा जाएगा और ओ के छात्रों का बाकी जनरल के आई थिंक के लगभग लगभग पैसा भेजा जा चुका है जो गिने चुने होंगे उनका भी पैसा आज आ जाएगा और आज देखो आज ग्यारह बजे ग्यारह बजे बारह बजे एक बजे रात तक क्रेडिट होगा क्योंकि अभी कल की डेट में एक बजे रात में क्रेडिट हुआ है पैसा पैसा भेजा तो सुबह ही गया होगा कहीं बैंक का प्रोसेस रहा होगा तो फिर बाद में क्रेडिट हुआ होगा ये सारी चीज़ें हैं बाकी दिन का आज भी अगर मान लो बाई दिवे नहीं आ पाता है तो कल एक एक अप्रैल तक और वेट करना पड़ेगा हो सकता है बैंक में अगर आपका कहीं पर पेमेंट प्रोसेसिंग में फंसा हुआ होगा तो पहले अप्रैल तक भी क्रेडिट हो सकता है बाकी आगे जो भी जैसी भी अपडेट होगी पोर्टल ओपन होने को लेकर जो बोला जा रहा है कि पंद्रह अप्रैल से पंद्रह जून तक सारा कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि हम भी ग्रो कर सके आपके साथ और आपको सही सटीक जानकारी प्रोवाइड कर सके तो तब तक के लिए बाबा है